भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी आज दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये साफ दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर पथराव, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कर रहे हैं। जिन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब दो दो सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही है जहाँ पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं और ये आफत खड़ी जम्मू कश्मीर में जब होगी तो जम्मू कश्मीर की शांति भंग होगी। दूसरा, ये कहते हैं धारा 370 को खत्म कर वापस लागू करेंगे। इससे स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के भी। बाबा साहब अम्बेडकर भी धारा 370 के पक्ष में नहीं थे और धारा 370 की अगर वापस बहाली जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती करेंगे तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय उसके हक छीन लेंगे, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसके जो शरणार्थी हैं उनके हक छीन लेंगे, जो रिजर्वेशन मिली है गुजर बकरवाल से लेके एससी एसटी समुदाय को उनका हक छीन लेंगे। राहुल गांधी जी ने तो विदेश में जाकर भी कह दिया कि वो रिजर्वेशन के विरोध में हैं। राहुल गांधी जी एक और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, इनकी पार्टी और परिवार ने लोकतंत्र की हत्या एमरजेंसी लगाकर की थी और संविधान में कई संशोधन पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी तक किए। ये स्पष्ट दिखता है कि ये लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ थे, ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं और अब जम्मू कश्मीर के लोगों का रिजर्वेशन का हक भी छीनना चाहते हैं।